जैसा कि आप जानते हैं कि गणित में टू डायमेंशनल भिन्न भिन्न आकृतियां हैं, मैं दिनेश तिवारी आज आपको इस गणितीय आकृति के मॉडल के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस मॉडल के माध्यम से कैसे उन आकृतियों को समझ सकते हैं आसानी से, जो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे याद होंगी, तो मतलब उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है, जो आज हम अपने इस गणितीय आकृति के मॉडल के माध्यम से ये देखेंगे कि हम किस तरह से टू डायमेंशनल आकृतियों को, स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आप रेक्टेंगल के विषय में जानकारी ले सकते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने रेक्टेंगल बनाया हूँ। इसमें जो आमने सामने की साइड्स होती हैं, इक्वल होती हैं, और साथ में इसका जो एवरी एंगल है, मतलब प्रत्येक कोण है, ये 90 डिग्रीज का है। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल देख रहे हैं, और उसके बाद देखिए, अगर हम इस तरह से बनाएं, ये देखिए, तो देखिए इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, फोर साइड्स इक्वल होती हैं, और इसका जो प्रत्येक कोण है ये 90 डिग्रीज का होता है। तो ये हमने स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल देखा, स्क्वायर देखा, और अब देखिए आपको ट्रायंगल भी बताते हैं। जैसे ये देखिए, तो ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये ट्रायंगल वाली आकृति है, और इसमें तीन भुजा है। अब ट्रायंगल्स में भी टाइप्स चलते हैं। जैसे देखिए, ट्रायंगल्स में क्या क्या है, एक अपना जो है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, किस तरह से बनेगा आइए देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये देखिए कि इस भुजा को हम आधार कहेंगे, ये लंब होगा, और ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी हो रहा है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो रहा है, जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। अब देखिए, ये टू साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल या सम द्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। और इसके बाद जो है, अब हम चतुर्भुज की बात करेंगे। तो चतुर्भुज में आप देखिए, जैसे सबसे पहला जो चतुर्भुज होता है पैरेललोग्राम, ये किस तरह से बनता है, ये देखिए, ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना है, समानांतर चतुर्भुज बना है, और समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये इक्वल होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, साथ में इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। इसके बाद हम रोम्बस की बात करते हैं। देखिए, ये एक रोम्बस बनाया गया है, ये सम चतुर्भुज है, और इसमें भी आमने, इसमें चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है, और ये सम चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद समलंब चतुर्भुज देखेंगे। देखिए, यह है ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। इसमें भुजाओं के दो युग्म तो समांतर होते हैं,
बाकी दो युग्म समांतर नहीं होते हैं। हमने समांतर की बात की, समानांतर, समांतर का मतलब यह होता है कि उसमें प्रत्येक स्थान पर उनकी दूरी बराबर होगी, और समांतर रेखाओं की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है। और अब जैसे आपने सबसे पहले त्रिभुज देखा, फिर वर्ग देखा, और सबसे पहले आपने आयत देखा, वर्ग देखा, त्रिभुज देखा, और उसके बाद चतुर्भुज, और चतुर्भुज में भी हमने अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज देखे। अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन्स की, बहुभुज की, कि बहुभुज में क्या होता है। तो देखिए, तीन या तीन से अधिक, पहले हमें परिभाषा को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारे गणितीय आकृति के मॉडल के माध्यम से तो समझेंगे, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इन आकृतियों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, बहुभुज जो होता है, बहुभुज में सबसे पहली बात कि बहुभुज में तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है, और त्रिभुज एक बहुभुज है, चतुर्भुज एक बहुभुज है, और उसके अलावा जो बहुभुज और बना सकते हैं आप, वो तो किस तरह से बना सकते हैं, आइए देखते हैं। कि जैसे देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये एक बहुभुज आपके सामने बनाया गया, और इसकी भुजाएं देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः भुजा वाला है, और प्रत्येक भुजा इसकी बराबर है, ये समषट्भुज बना है जिसका क्षेत्रफल 3√3/2 × a² a उसकी साइड होती है। देखिए, ये भी एक बहुभुज की आकृति है, और हम बहुभुज की बहुत सारी आकृति बना सकते हैं। हम अपनी इस गणितीय आकृति के माध्यम से आयत, वर्ग, त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों प्रकार, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, और साथ में बहुभुज को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इनकी एक जानकारी ले सकते हैं। और ये मॉडल कि हमने किस तरह से इस मॉडल के माध्यम से जो टू डायमेंशनल आकृतियां हैं उनकी जानकारी ली। तो वाकई में हम इस तरह का मॉडल बनाकर इन आकृतियों को समझ सकते हैं, इसकी जानकारी रख सकते हैं आसानी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और गणित को समझने के लिए इस तरह के कुछ कार्य आप अवश्य करें। धन्यवाद।